है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं मेरे भाइयों कि यदि कोई हमारे पार्टी का तो जीत होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी परिस्थिति में जैसा कि एग्जिट पोल दे रहा है कुछ दुर्बल प्रदर्शन हुआ तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, मैं अपने बातों पर स्टैंड आज भी कर रहा हूं कि जिस समय भारतीय राजनीति में भारत की धरती पर मेरे भाइयों श्रवण मानसिकता के लोगों का चिंतन और पुरुषार्थ समाप्त कर दिया जाएगा, मेरा दावा है कि भारत आत्माहीन हो जाएगा। इसलिए सवर्णों को अपमानित करके, इग्नोर करके कोई भारत को शक्तिशाली बनाने की स्थिति में नहीं। सबको सम्मान करना चाहिए, हर दलित भी मेरा भाई है, लेकिन सवर्णों को अपमान करके दलित को आसमान पर चढ़ाना कहीं से प्रासंगिक नहीं है, कहीं से उचित होगा एकदम एसटी एक्ट होगा। इसके पीछे शुद्ध रूप से यदि कोई रुझान आया, वैसे तो मोदी जी के चरित्र पर पूरा दुनिया विश्वास कर रही है, मुझे विश्वास है कि आप लोग जीतेंगे, लेकिन यदि कहीं दुर्बल परिस्थिति बनी तो जरूर वो कारण हो सकता है। पार्टी पांचों राज्यों में चुनाव हारती है तो इसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय मैं किसी पार्टी में एक किसी को नहीं दिया सकता है, जो भी होता है सामूहिक हमारा भी श्रेय है। मान लीजिए कि मेरा व्यक्तिगत रूप से है और पार्टी में होने के नाते मैं पार्टी का विधायक हूँ तो मेरा श्रेय पहला माना जाएगा, मैं तो पहला अपना मानूंगा भाई हम लोग हारते हैं।